भारत में राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कुल्लू में भी मनाई गई। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कुल्लू विधानसभा कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनी एडवांस स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में। अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। और कार्यक्रम में महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूर्व सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा सत्य व समाज सेवा की राह पर चलने का संकल्प लिया। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि साल 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। गांधी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई जिससे देश की नब्ज को जान सके और लोगों से जुड़ सके। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पर चल रही है। महात्मा गांधी के आदर्शों के चलते कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी बनकर उभरी है। अहिंसा का एक आंदोलन छेड़कर और सभी कांग्रेस जनों को एक ऐसे प्रेरणा दी कि जो ब्रिटिश राज को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और समाज को एकजुट रखने के लिए उन्होंने जो जो शिक्षा दी है उनका ये मानना था कि भारत की आज़ादी किसी भी काम की नहीं है जब तक कि हमारे समाज में जो है ये वर्गीकरण है और यहाँ पे जो आपसी भेदभाव है, यही वजह थी उन्होंने समाज को जोड़े रखने के लिए जो है सभी को सभी धर्मों को एक होने की बात कही। दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनी एडवांस स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में। अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। आज के दिन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने की जय जवान जय किसान का नारा दिया और जय जवान जय किसान, उन्होंने जवान और किसान को एक नारे में पुरोया और इस देश के लिए, वो भी एक कांग्रेस विचारधारा के थे और एक साधारण सा व्यक्तित्व, किस तरह से उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखा और संयोगवश की ये दोनों महानुभाव, ये दोनों ही जो है प्रमुख हमारे इस देश के जो है लीडर, इनका एक ही दिन में यहाँ पे जयंती है जिसे हम मना रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ एक संदेश कि इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए इनके विचारों को हमें स्मरण। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर के रिपोर्ट। दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनी एडवांस स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में। अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goingmotor.com पर।